नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये 15वां प्रैक्टिस सेट है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का। तो देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्टी टेलीग्राम चैनल पर ही प्राप्त होगा, यानी वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस कहलाती है। बात हो उत्कृष्ट गैस या इनर्ट गैस या नोबेल गैस या शून्य ग्रुप वाले गैस या ओकिरिया गैस। तो ये सब का सब जो है हीलियम गैस होगा, यानी कि ये छह गैस है या इसमें इसके अंतर्गत रखा गया है वर्ग 18 में, अर्थात 0वां ग्रुप में। तो इस प्रकार से छह में जो है ऑप्शन जो आपको हीलियम मौजूद है, ओकिरिया गैस कहिए या उत्कृष्ट गैस कहिए या नोबेल गैस कहिए। या अगला सवाल देखें, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। तो सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल वसाव पाया जाता है। जनसंख्या का सबसे विरल वसाव का मतलब हो गया कि जनसंख्या घनत्व तो कम है। तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, कहता है तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय यह है सिंधु और झेलम नदी के बीच में। अगले प्रश्नों को देखें, भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो दक्कन के क्षेत्र में अर्थात दक्कन के पठार में जो मिट्टी है वह है काली मिट्टी, जिन्हें रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी की निर्माण हुई है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में और उसके बाद गुजरात में पाया जाता है। अगला सवाल कहता है, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी। तो राज्य हड़प नीति अपनाने वाले जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे, और इसके कारण से जो है यानी कि ड्रॉपिंग ऑफ लैक्स के कारण से इसने बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का काम किया, जैसे कि सर्वप्रथम 1848 में अपना विलय नीति का शिकार सतारा को बनाया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनाया था महाराणा कुंभा ने। अगले सवाल को देखें, मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था। तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था 1899-1900 में। अगला सवाल देखें, निम्न में से किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आपको पता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक है और यह भाग 4 में है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि 40 में जो है ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। अगला सवाल, पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है। तो पीसा जो है इटली में है, यहीं पर जो है झुकी हुई मीनारें हैं पीसा में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको मलाया सुमात्रा जावा के विजय का श्रेय दिया जाता है। तो इन तमाम जगहों के विजय का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र चोल प्रथम, जो कि चोल वंश के शासकों में से गिने जाते थे। अगला सवाल, निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता ने पुस्तक रेहला प्रकाश डाली, यानी कि इब्न बतूता के द्वारा जो रेहला पुस्तक लिखा गया ये किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मिलती है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था इब्न बतूता, और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। अगला सवाल देखा जाए, कहता है टर्बाइन या डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये जो है मैकेनिकल ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जिसे बोलते हैं ओएनजीसी, तो ओएनजीसी का जो है स्थापना कब हुआ था। तो यह हुआ था 1956 ईस्वी में, और इसके मुख्यालयों की बात करें तो इसका मुख्यालय हो जाएगा देहरादून में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीमिया के रूप में प्रयोग किए जाने वाली गैस जो है वह है नाइट्रस ऑक्साइड, जिन्हें N2O अर्थात हंसाने वाली गैस कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, किस सिख गुरु यानी कि सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया करवाने के लिए जिम्मेदार है मृत्युदंड। तो तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और इनके हत्या के जिम्मेदार हैं औरंगजेब, और सिखों के 5वें गुरु
अर्जुन देव थे, उनके हत्या का जिम्मेदार जो है जहांगीर थे। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव कौन सी विधि किया के द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात उसी के द्वारा चुना जाता है, यानी कि विधानसभा के द्वारा चुना जाता है, और ये जो है एकल संक्रमण या मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों एवं गलियों कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों एवं गलियों की बात करें तो शहरों चौड़ी और सीधी थी, शहरों एवं गलियों। अगला सवाल देखें, बुध किस वंश से संबंधित है? तो बुध जो है शाक्य गणों से अर्थात शाक्य वंश से संबंधित रहा था। और बात करें तो बुध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? बात करें लिटन का दिल्ली दरबार, तो ये हुआ था 1877 में, और संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में, और इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था 1884 में इरविन के समय में। इस प्रकार से आपको देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845-46 यही होगा पहले। अगला सवाल है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह? तो ये था स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि 1957 में रूस के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था। अगला सवाल देखा जाए, मधुबनी लोक कला शैली ये संबंधित है किससे? बिहार से। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो उष्ण मरुस्थल सबसे बड़ा वह है सहारा। अगला सवाल देखा जाए, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजनाएं का निर्माण हुआ है? तो ये महानदी पर हुआ है। अगला सवाल देखें, एक तरफ स्थापना है, एक तरफ जो उससे संबंधित कार्य दिया गया है, यानी कि कौन से बैंक का जो है, कौन से संस्था का निर्माण कब हुआ था? तो ज़रा देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 1955 में किसकी स्थापना हुआ था? तो 1955 में जो स्थापना हुआ था तो ये था भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। तो भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना किया गया था 1955 में। फिर 1964 में किसकी स्थापना? तो यह हुआ था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना। 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना, और 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना। इस प्रकार से आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो ये निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस, और 1939 में भी यह हरिपुरा में हुआ था, तो अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। फिर 1939 त्रिपुरी संकट आया था, अर्थात महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। अगला सवाल देखा जाए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, तो इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो यानी कि उसके अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें विद्युत, खनन, विनिर्माण का उपयोग किया जाता है, जबकि गैस एवं जल आपूर्ति का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ यही हुआ कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, तो उसे ही राष्ट्रीय आय लेखांकन के आधार वर्ष कहा जाता है। अगला सवाल देखा जाए, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्यों? क्योंकि इसे कभी भी विघटित नहीं होता, यानी कि इसका उल्लेख विघटन होने का उल्लेख ही नहीं है कभी भी। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? तो राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होगा राज्यपाल और फिर विधानसभा, और जहां पर विधान परिषद जिस राज्य में होगा वो भी उसमें सम्मिलित होगा, इसलिए केवल चार ही आपका जो है विकल्प सत्य है। तो विकल्प नंबर चार जो है केवल व केवल डी में मौजूद है कि इसमें कहा गया है केवल चार। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ दर्रे के साथ सम्मिलित नहीं है? देखा जाए तो आपको पता है कि बनिहाल, पीर पंजाल यह सत्य है, और उसके बाद खारदून लद्दाख पर्वत श्रेणी ये भी सत्य है, और जलेपला नाथुला जलेपला ये सब जो है सिक्किम में है, और जो जिला बृहत हिमालय में है यह सत्य है, यानी कि आपका सी विकल्प जो है गलत है। अगला सवाल देखें, रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, और इसी में जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1919
17 में हुआ था और गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा। अगला सवाल कहता है 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज अगर 117 रुपया है तो धनराशि क्या होगी। यहाँ पर पी बटे एस आई यानी कि आपका एस आई दिया हुआ साधारण ब्याज 117 बराबर 100/2 साल के लिए है 2×9। अब यहाँ पर काटेंगे तो 9×9=9, 9×3=27, 13। अब यहाँ से काटेंगे तो 50 बार में 50×13 तो 13×5=65 यानी कि 650 रुपया हो जाएगा राशि यानी कि मूलधन। अगला सवाल कहता है 2 संख्याओं के एक समुच्चय का समांतर माध्य 8 है और संख्याओं के दूसरे समुच्चय का जो है माध्य 15 है। यदि दोनों का संयुक्त माध्य 12.5 है तो दोनों समुच्चयों की आवृत्तियों का अनुपात क्या है। तो यह आवृत्तियों की अनुपात हो जाएगा 5:9। अगले प्रश्नों को देखें। एक लैपटॉप जो है 23,500 रुपया में बेचने पर जो है 17.5% का लाभ हुआ तो उसे कितना में बेचा जाए कि 22.5% का लाभ हो। देखिए 23,500 बराबर कितना हुआ 117.5। अब कितना में बेचा जाए x बराबर जो है कितना होगा अब 122.5। ये दशमलव दशमलव तो दोनों कट ही जाएगा यानी कि यहाँ भी कट गया और यहाँ भी ये भी कट गया। अब आप जो है यहाँ पर काट कूट कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा जो होगा 24,500 रुपया। अगले प्रश्नों को देखा जाए। एक सिलेंडर का कुल सतह क्षेत्रफल यानी कि कुल जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर की ऊंचाई क्या होगी। आपको पता है कि ये जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना क्या होता है बेलन का तो ये हो जाता है 2πr×r+h। तो 2πr+r×h हो जाएगा 2×22/7 पाई आर। आर का मान अभी है 10 फिर आर प्लस एच यानी 10+h और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है 880। अब यहाँ पर देखिए सुना सुना काटिए कट गया। अब 22×44×88 दो बार में कट गया। अब जो है 10 प्लस एच बराबर कितना है 7×14 तो h बराबर क्या हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 4। तो 4 जो आपका ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है इस चित्र में जो है वर्गों की संख्या कितनी है तो वर्गों की संख्या अगर आप गिनती करेंगे हकीकत में तो वो हो जाएगा कितना देखते हैं। देखिए एक तो ये वर्ग हो गया, एक ये वर्ग हो गया 2 और एक ये वर्ग हो गया 3 हो गया। अब चलिए अब देखिए एक ये वर्ग हो गया 4, अब एक ये वर्ग हो गया 5, फिर अब ये वर्ग हो गया 6। इस प्रकार से 6 वर्ग ही बनता है 3 छोटा में और 3 बड़ा में। अगला सवाल देखा जाए। कहता है श्रृंखलाओं का अगला पद जो है क्या होगा। अब देखिए 3×6=9, 3×2=9, 3×3=12, 3×5=15 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। माना कि 15 संख्याओं का जो है समांतर माध्य 41.4 है तो संख्या का योग क्या होगा। तो संख्या का योग वही होगा इसमें गुना कर दीजिए 15 से तो दशमलव नीचे आएगा। तो चलिए 5×10, 5×3=15। अब काटेंगे तो 2×4=0, 2×7=14, 2×7×3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 621 तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप है 540 मीटर और इसकी भुजाओं का अनुपात जो है 5, 12 और 13 के अनुपात में है तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर जो है इसका मान दिया हुआ है जैसे 5x और इतना करेंगे तो इतना बराबर है 13, 12, 25, 5, 30 30x बराबर जो है दिया हुआ है 540। तो यहाँ पर काटेंगे सुना सुना कट गया 3 से काटेंगे तो 18×54 x का मान जो है 18 आ गया। अब यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 12x तो हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊँचाई तो 1/2 5x यानी कि 5×18 फिर कितना होगा 12x फिर 12×18। अब इनको हल करते हैं। चलिए यहाँ पर जो है
पाँच, चलिए यहाँ पर दो से काट देते हैं, 2 9 18। अब जो है 45 गुना वहाँ इतना कीजिएगा तो आपका आंसर जो है 9720 वर्ग मीटर आ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है समीकरण दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के इजकल टू 0 है, तो मूलों के योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान हो जाएगा -2/3। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है निम्न में से अमोनिया के एक कौन सा गुण है, तो अमोनिया जो है इसका गुण देखा जाए तो यह जलीय विलयन में घुलकर जो है लाल लिटमस को नीला कर देता, अर्थात यह क्षारीय प्रकृति की होती है और बाकी इसके बारे में यह गलत है, दुर्गंध रहित नहीं है, ये तो दुर्गंध है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध होता है, और जल योग में अविलय नहीं, ये तो जल में विलय होता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो जल से जो है हल्का क्या होगा, तो ये हो जाएगा सोडियम, क्योंकि आप जो है सोडियम धातु को, हालांकि आप किरोसिन तेल में डुबा कर डालते हैं लेकिन सोडियम को जल में देते हैं तो वह तैरता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा सुमेलित है, देखा जाए लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये गलत है, निक्की झील राजस्थान में है, तो ये भी गलत है, और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ये सत्य है, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, इस प्रकार से ये भी असत्य है। अगले सवाल को देखें, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का प्रयोग किया गया है, तो तांबा धातु का इस्तेमाल किया गया था। अगला सवाल देखें, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है, तो मेची नदी जो है ये सहायक नदियाँ हैं किसकी, महानंदा की। अगले प्रश्न को देखें, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किस जगह से होता है, तो ये बॉम्बे हाई से होता है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र है, तो ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादक प्रमुख क्षेत्र यह है खंभात की खाड़ी। अगले प्रश्न को देखें, भारत सरकार द्वारा निर्मित बफर स्टॉक किसके भंडार से होता है, यानी किसके भंडार के हेतु किया जाता है, तो यह खाद्य अन्न की भंडार के लिए किया जाता है बफर स्टॉक। अगले सवाल को देखें, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं, तो संसद में लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति और दोनों सदन होते हैं। अगले प्रश्न को देखें, किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, तो किस सदन से, अविश्वास प्रस्ताव हो या फिर विश्वास प्रस्ताव हो, ये दोनों लोकसभा में ही पेश किया जाता है, पारित किया जाता है। अगला सवाल देखें, पुलकेसिंह प्रथम और पुलकेसिंह द्वितीय ये चालुक्य नरेश था, आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखें, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, तो या तो इसका उम्र 6 वर्ष या तो इसका उम्र 65 वर्ष हो जाए या फिर इसका कार्यकाल 6 वर्ष हो, जो पहले हो जाए। अगला सवाल देखें, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया, तो यह है इंडिया विंस फ्रीडम और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था। अगले प्रश्न को देखें, भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के में जो है भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा कर दिया गया, तो शेर अली अफगान के द्वारा जो है लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया गया था 1872 ईस्वी में, तो पहला गवर्नर था जो कि कार्यकाल के दौरान इसका जो है हत्या कर दिया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह है, सर्वाधिक बड़ा उपग्रह, तो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनेमिड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, और सबसे छोटा उपग्रह मंगल का है डीमोस, और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रहों की बात करें तो शनि के पास है 82 और बृहस्पति के पास जो है 79 है, क्योंकि शनि पहले 62 था 20 नए उपग्रह के साथ 82 हो गया, और बृहस्पति पहले 67 था और इसका 12 उपग्रह के साथ 79 हो गया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है भारतीय मूल की नहीं है, तो भारतीय मूल की गन्ना फसल भारतीय मूल की है और चावल भी, लेकिन मक्का जो है पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया और आलू आम भी जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था, तो आंसर आपका फिलहाल बी हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, कहता है सूर्य के वास्तव में क्षैतिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना होता है, तो 2 मिनट का होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में जो है 8.8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है,
जबकि चंद्रमा की प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.28 सेकंड लगता है। अगला सवाल कहता है लोलक अर्थात पेंडुलम घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती क्यों? क्योंकि लोलक की जो है लंबाई बढ़ने से जो है सुस्त हो जाती है, ऐसा अतः इसे ज़्यादा समय लगता है तुलन करने में। अगला सवाल डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1853 में दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। इसी खोज के लिए 1962 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला सवाल देखा जाए दूध का धवल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो केसिन के उपस्थिति के कारण होता है। अगला सवाल पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है और हीमोग्लोबिन या फिर मायोग्लोबिन में लोहा। अगला सवाल देखा जाए भूमिगत जल को दूषित करने वाले और अजैविक प्रदूषक कौन से होते हैं? तो ये अजैविक प्रदूषक अर्थात जल की जो है प्रदूषण होती है और आर्सेनिक विष के कारण से। अगला सवाल देखा जाए एक सफ़र में एक पर्यटक बस जो है सफ़र की 20% दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, फिर 60% दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और शेष जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, तो पूरी औसत जो है चाल क्या होगी? तो पूरी औसत ये प्रतिशत ये फलना से उसको आपको कुछ दिक्कत ही नहीं है, केवल आप जोड़ दीजिए सबको तो 10 30 40 20 60, तो 60 में कितना तीन दूरी से गया है यानी कि तीन बार जो गया है, एक 10 और एक बार 30 एक बार 20 से, तो ये जो है तीन से भाग देंगे कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें एक रेलगाड़ी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को 40 सेकंड में पार करती है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे उसी दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई होगी चाल गुना समय करेंगे तो रेलगाड़ी का लंबाई हो जाएगा, तो 9 × 5/18 करते हैं तो यहाँ पर जो है 9 × 18 तो 5/2 × करते हैं 40, क्योंकि ये समय है 40 सेकंड तो यहाँ पर काटते हैं तो 20 20 पंचे क्या हो गया 100 मीटर जो है रेलगाड़ी की लंबाई है। अगले प्रश्न को देखा जाए कथा ए अकेला एक काम को 5 दिनों में और बी उसी काम को 4 दिनों में और ए बी सी जो है 2 दिनों में कर देता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? अब देखिए ये 5 दिन और ये करेगा 4 दिन में और तीनों मिलके 2 दिनों में। अब देखिए ये ए है ये बी है और ये तीनों है ए बी सी तीनों है, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, चलिए 20 हो गया। अब एक काम करेगा ये कितना 4 एक दिन में 4 काम और ये करेगा एक दिन में 5 काम और ये करे तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा 10 काम। आपको पता है कि ये 5 काम और ये 4 काम 4 काम 5 काम दोनों कर दिया ये भी 9 काम हो गया, तीनों मिलके 10 काम करता है, इसका मतलब सी का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, तो ये सी एक दिनों में एक काम तो 20 काम कितने दिनों में करेगा, तो 20 काम कर देगा 20 दिन में, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। सी हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए एक स्कूल में केवल 3 कक्षाएं हैं जिनमें क्रमशः 40 50 और 60 छात्र दाखिला है और इन कक्षाओं का जो है पास प्रतिशत देखा जाए तो 40 वाले में 10% पास हुआ और 50 वाले में 20% पास हुआ और 60 वाले में 35% पास हुआ, तो कह रहा है स्कूल की जो है पास प्रतिशत कितना है। अब देखा जाए कुल विद्यार्थी जोड़िएगा 50 40 60 50 40 90 60 150, कुल विद्यार्थियों की संख्या आपके पास है 150। अब 150 में 40 वाले में 10% पास हुआ तो यानी कि 4 पास हुआ, फिर 50 वाले में 20% पास हुआ तो 50 का 20 करेंगे तो यानी कि 5 × 10 विद्यार्थी इसमें पास हुआ, फिर 35 ये जो है फिर 60 वाले में 35% पास हुआ तो 60 वाले में 60 का 35 करेंगे बटे 100, तो ये सुनना कट गया 5 × 10 5 × 35 2 × 12 तो 42 इसमें पास हुआ, ये 2 × 3 होगा यानी 3, तो सत्य 21 इसमें पास हुआ है 21 × 10 = 31 4 × 35 यानी कि पास बराबर कितना हो गया विद्यार्थी 35, तो 35 × 100 बटे कितना करना है 150, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या 150 है, 50 × 100 50 × 150 35 × 70/3 करेंगे तो 23.3% हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें कहता है
किसी रेजिमेंट में सिपाही के भर्ती के लिए, यानी सिपाही जो है पाँच, ये सिपाही 10, 15 और 25 की पंक्तियों में खड़े हैं तो, और एक पूर्ण वर्ग बनाए उनकी न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए न्यूनतम संख्या देखा जाए तो इनको अगर डिवाइड यानी भाग देते हैं तो केवल 900 में भाग लगता है। 900 वर्ग भी है, 10 से भी, 15 से भी और 25 से भी, और सबसे छोटी वर्ग भी यही है, क्योंकि 400 में जो है भाग लगेगा ही नहीं, 15 से तो लगेगा ही नहीं। अगला सवाल देखा जाए, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तो इसी तरह से दिशाएं सब बदलती रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। अब देखिए, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, और इधर हो गया नॉर्थ, और इधर हो गया साउथ। अब यहाँ से देखिए, अब कहा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यहाँ पर आपका उत्तर हो गया और यहाँ पर आपका दक्षिण हो गया, और यहाँ पर अगर कह रहा है कि उत्तर पूर्व को जो है पश्चिम कहा जाए, इन दिशाओं को जो है पश्चिम कहा जा रहा है। अब पता है कि आपको यहाँ पर जो है पूर्व आ ही जाएगा तो यहाँ पर पूर्व हो गया। अब कहता है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, यानी इसको अब क्या कहा जाएगा, ये जो है किस दोनों के बीच में है, दक्षिण पूर्व के बीच में है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी कि उसे दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, यदि 2xy cos थीटा प्लस x² - y² sin थीटा इजिकल टू x² + y² है तो टेन थीटा का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा x² - y² / 2xy। अगले प्रश्न को देखें, कहता है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार बने 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो अन्य घन का आयतन निकालना है तो 8 × 8 × 8 करना है, और कितना सेंटीमीटर का बनाना है तो 2 सेंटीमीटर का, 2 × 2 × 2, तो ये 2 × 4 × 8 एक 8 कट जाएगा तो बचेगा 8 × 8 64, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बी ए से 2 गुना बड़ा है, चलिए यहाँ से जो हम बी रखते हैं और ये ए से 2 गुना बड़ा है, फिर कहता है लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है, तो एफ से 2 गुना छोटा का मतलब एफ सबसे ऊपर होगा। अब कहता है सी ए से आधी उम्र का है लेकिन डी से 2 गुना है, सी जो है ए से आधी है लेकिन डी से 2 गुना है, कहता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन होगा, सबसे बड़ा एफ और सबसे छोटा डी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखें, कथन कहा गया है और उसका निष्कर्ष दिया गया है नीचे, कथा आम अच्छे होने से अधिक सस्ते हैं। अब फिर निष्कर्ष कह रहा है कि जब आम की फसल प्रचुर मात्रा में है तो कीमतें गिर जाती है, ये बात सही है। अब कहता है वस्तु की घटिया किस्म होने पर विक्रय मूल्य कम हो जाता है, ये बात नहीं कह रहा है, क्योंकि कह रहा है आम अच्छे होने के कारण, ये घटिया नहीं है, तो आपका केवल जो है यानी कथा इसमें से कौन सा सत्य होगा, तो केवल यानी कि सी हो जाएगा कि एक ही कथन यानी कि पहला अभिधारणा जो है सत्य है, आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना करना है, तो इसका आंकड़ा दिया गया है, इसका मानक विचलन हो जाएगा 3.633। अगले प्रश्नों को देखें, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, देखा जाए 4 × 12 = 60, 60 में जो है 5 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, उसी प्रकार से 6 × 5 = 30 × 60, 60 में 3 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, फिर उसी प्रकार से 8 × 56 = 112, तो 112 में जो है आप भाग देंगे किस से, 112 में भाग देंगे 8 से, तो कितना बार में लगेगा, 14 बार में लगेगा, 14 × 8 करेंगे तो 112 आ जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, कहता यदि प्लस का अर्थ हो गया भाग यानी जोड़ का अर्थ हुआ भाग, और गुना का अर्थ हो गया घटा, और भाग का अर्थ हो गया गुना, और घाटे का अर्थ हो गया जोड़, तो इस प्रकार से संतुलित करना है। अब यहाँ पर देखिए जोड़ का अर्थ हो गया भाग, यहाँ पर हम भाग देते हैं, फिर कहता है कि गुना का अर्थ हो गया घाटा, तो गुना का अर्थ घाटा, तो यहाँ पर घाटा देते हैं, फिर भाग का अर्थ गुना, तो यहाँ पर हम गुना देते हैं, फिर कहता है घाटे का अर्थ हो गया जोड़, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब देखिए 8 भागा जो है 6 है तो छेद कर दिए, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो गया 12/1, अब यहाँ पर प्लस 4 है तो प्लस हो जाएगा 4/1, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, अब 6 करेंगे तो अर्छंग 48, अब माइनस होगा फिर 6 तो बर्छंग 72, फिर प्लस होगा कितना, फिर प्लस हो जाएगा
छः से, तो 6 चौके 24, यहाँ पर 48 नहीं होगा, यहाँ पर जो है केवल 8 ही होगा, क्योंकि 6 बार में भाग लग ही गया है। अब देखिए 48 है और माइनस 72 है प्लस 24 है, 24 8 32, 32 में से 72 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 40, तो माइनस 40 बटे 6 हो गया। इसका मतलब है कि 3 दूना 6 यानी कि काटेंगे तो मैं आ जाएगा कितना माइनस 20 बटे 3। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कथन और निष्कर्ष इस प्रकार से दिया गया है, कहता है कि सभी उपन्यास कहानियां हैं, तो ये उपन्यास हो गया। अब जो है ये सभी उपन्यास जो है क्या है कहानियां हैं, तो ये हो गया क्या, ये कहानी हो गया। चलिए अब कहता है कि सभी कहानियां गीत है, तो सभी कहानी जो है ये गीत के अंतर्गत है, तो गीत हो गया गीत के अंदर। अब कहता है निष्कर्ष में, यहाँ पर ध्यान दिया कि कहता है कौन इसमें जो तर्कसंगत गलत है यानी कि सही नहीं है वही विकल्प को चुनना है। अब देखा जाए कहता है कि सभी उपन्यास गीत हैं, ये सभी उपन्यास गीत हैं क्योंकि गीत के अंदर है, ये बात सत्य है। गीत के अंदर है क्या कहानी के अंदर भी है, तो ये सत्य है। और कहा जा रहा है कि कुछ गीत उपन्यासकार हैं, तो अगर सब अगर हाँ कुछ गीत उपन्यासकार है ये जब इसका ये इसके लिए सभी है इसके अंदर में, तो इसके बाहर में ये है कुछ है, ये भी है, ये भी सही है, ये भी। कहता है कुछ उपन्यास गीत हैं, कुछ उपन्यास गीत हैं, जब सभी है तो कुछ तो होगा ही होगा, तो ये भी सत्य है। कहता है सभी कहानी गीत नहीं है, सभी कहानी गीत नहीं है क्या, सभी कहानी गीत है क्योंकि गीत के अंदर ही तो ये कहानी है, इसीलिए यही गलत है कि गीत नहीं है, यहाँ पर हो जाता गीत है। अगले प्रश्न को देखें। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया गया है और कहता है बाएं से 13वें अक्षर के दाएं ओर जो है 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब जो है यहाँ से आप पहले गिन लीजिए, बाएं से 13वां अक्षर है, फिर वहीं से जो है आप कितना बढ़ना है, फिर वहीं से बढ़ जाइए 5 और दाएं, तो 13 5 कितना हो गया 18 हो गया। अब उधर से घटाइए 27 में से 18 यानी कि उल्टा गिनिए, अब इधर से 18 हो गया तो उधर से कितना होगा, उधर से हो जाएगा आई हो जाएगा, क्योंकि इधर से आर हो गया और उधर से आई, आर आई दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है किसी निश्चित कूट भाषा में जो है एम को एन को एम और ई को भी लिखा गया, यानी कि उल्टा लिखा गया है दोनों के एक दूसरे के विपरीत, तो इसको क्या लिखा जाएगा, आई का हो जाएगा आर, एन का हो जाएगा एम और डी का हो जाता है डब्ल्यू और आई का हो जाता है आर और ए का हो जाता है जेड, तो आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित की राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है, तो ऐसा कथन कहने वाले थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल देखा जाए। सूचना के अधिकार के संबंध में इसके उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो सूचना का अधिकार आपको पता है कि ये 2005 ईस्वी में आया था अधिनियम। अब कहा जा रहा है कि समाज की महिलाओं एवं कमज़ोर वर्गों को सशक्त करने हेतु बनाया गया, ये बात गलत है, इसके लिए नहीं था, और सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उदार उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए, यह सत्य है, और नागरिकों को सशक्त करना और भारतीय लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, ये भी इसके अंतर्गत था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, ये कॉलेजियम न्यायाधीश के जगह जो है ये पद लाया गया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति 99 संविधान संशोधन 2014 में, और इसे 2015 में खारिज कर दिया, असंवैधानिक करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला सवाल को देखा जाए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा, तो मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा किया कहा गया। अगला सवाल। संविधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति संसद सदस्यों के अयोग्यता संबंधित निर्णय लेने और देने से पूर्व निम्न में से किसकी राय लेता है, तो ये भारत के निर्वाचन आयोग से राय लेता है। अगला सवाल देखा जाए।
भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित कौन सा युग्म सही है, यानी कि कौन सा इसमें सही सही है। कहता है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 में प्रदूष जो है प्रसूति सहायता किया गया, तो ये गलत है। यह है 39 के ए में है, 39 के ए में है, इसलिए गलत है। और कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ये तो अनुच्छेद 40 में है। 43 के ए में जो है कर्मकारों की भूमिका दिया गया है श्रमिक में, तो इस प्रकार से ये भी गलत है। और कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में है, ये 43 में नहीं है, ये भी गलत है। और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था 39 के डी में है, ये बात सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, एक तरफ हार्मोन है, एक तरफ जो है श्रावण ग्रंथि है, यानी कहाँ से कौन श्रावित होता है। तो प्रोजेस्टेरोन श्रावित होता है गर्भाशय से, और टेस्टोस्टेरोन श्रावित होता है वीर्यसन से, और थायरोक्सिन श्रावित होता है थायराइड से, और इंसुलिन श्रावित होता है अग्नाशय से। अगले प्रश्नों को देखा जाए, सूची एक सूची दो में के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ जो है सूक्ष्मजीवी है, एक तरफ जो है उससे संबंधित रोग है। तो बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, तपेदिक होता है, यक्ष्मा या फिर जैसे टीबी बोलते हैं, और फंगस अर्थात कवक के कारण से दाद होता है, और प्रोटोजोवा से कालाजार होता है, और वायरस से जो है इन्फ्लुएंजा होता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, संयुक्ता एक तरफ जो है कलाकार है, एक तरफ जो है उसके कला का स्वरूप दिया गया है। तो संयुक्ता पाणिग्राही ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है, और गोपाल कृष्ण अय्यर, तो गोपाल कृष्ण अय्यर जो है ये वायलिन से संबंधित है। और फिर उसके बाद देखा जाए तो पंडित रविशंकर ये सितार वादक हैं, और पालघाट मणि अय्यर मृदंग से संबंधित है। और अगले प्रश्नों को देखें, एक तरफ दिवस है, एक तरफ तिथि है। तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और हिंदी दिवस 14 सितंबर को, यह बात सत्य है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। तो मणिपुर से प्रारंभ हुआ था पोलो खेल, भारत के मणिपुर से। अगला सवाल देखें, 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश यह है दिल्ली। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देखा जाए इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कहा जा रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यहाँ कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा, तो यह गलत है, क्योंकि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा, इसलिए जो है ये विकल्प गलत है, क्योंकि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो यह है त्रिवेंद्रम अर्थात तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है। अगले सवाल को देखा जाए, अगले ऑप्शन को देखा जाए, कहता है ISRO इसरो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है, यह है श्रीहरिकोटा में, ना कि थुम्बा में है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, तो ये भी गलत है। कहता है SHAR केंद्र, तो सतीश धवन केंद्र जो है ये बंगलुरु में है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है, तो इसलिए ये भी गलत है। यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश में के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और अगले विकल्प को देखें तो कहा जा रहा है कि स्पेस एप्लीकेशन केंद्र जो है अहमदाबाद में, ये बात सत्य है, स्पेस एप्लीकेशन केंद्र जो है अहमदाबाद में ही है। तो अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है यदि डेढ़ वर्ष में छमाही चक्रवृद्धि पर ब्याज पर जो है 2000 रुपया की राशि 2315.25 हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या है। ब्याज की दर प्रतिवर्ष जो है 10% हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या, 10% में 2 से गुना करेंगे, भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 5%, और 6 माही है तो यहाँ पर जो है डेढ़ वर्ष, तो गुना करेंगे कितना 2 से, तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष। अब 3 वर्ष का 5% दर से आप निकाल लेंगे तो आपका जो है मिश्र धन इतना आ जाएगा। इस धनराशि का जो आप है, जैसे 2000 हुआ, 2000 का जो है 3 वर्ष करना है कितना, 105 बटे 100 गुना 105 बटे 100 गुना 105 बटे 100, इसको हल कीजिएगा तो आपको 2315.25 रुपया आ जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, कहता एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 60 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 30% लाभ हो जाता, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है। देखिए दोनों का अंतर कितना रुपया का हो रहा है, 60 रुपया में, और प्रतिशत अंतर कितना हो रहा है, लाभ है लाभ, तो 20 10 30, यानी कि 10 रुपया 10% का हो रहा है, गुना करना है 100 से क्रय मूल्य के लिए,
तो 100 काट दीजिए, तो 6 × 60 × 10 हो गया 600। अगला सवाल देखा जाए, कहता है अपील की सुनवाई में, तो किसी भी अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो कम से कम गणपूर्ति होनी चाहिए 7 ग्राम पंचायतों में जो है पंचों की संख्या। अगला सवाल देखें, कहता है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? तो ये अगस्टा कॉम्टे ने किया था, अगस्ट कॉम्टे। अगला सवाल देखें, निम्न में से किसे एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता है? तो एशिया का मरीज चाइना को कहा जाता है और यूरोप का मरीज तुर्की को। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदई, अगहनी और गर्मा कृषि से संबंधित है? तो यह है धान। धान जो कि खरीफ फसल के उदाहरण में भी है, क्योंकि जून जुलाई में इसका रोपाई होता है और नवंबर दिसंबर में यानी ये कटाई जाता है नवंबर में। अगले तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।